दिलावर फिगार की एक नज़्म है, मरसिए में सहरा और सहरे में मरसिया। ये एक मज़ाहिया नज़्म है। इस नज़्म का पस मंज़र ये है कि एक शागिर्द अपने शायर उस्ताद के पास भागा भागा आता है और कहता है कि उस्ताद, अच्छे मियाँ की शादी है और प्यारे मियाँ इंतकाल कर गए, इसलिए आप जो हैं वो अच्छे मियाँ के लिए सहरा और प्यारे मियाँ के लिए मरसिया लिख दीजिए। उस्ताद बहुत नाराज़ होते हैं कि भाई तू एक ज़माने से ईदियाँ लिख रहा है, तुझे शर्म नहीं आती, तू हमसे लिखवाएगा हैं? तो ये बड़े हाथ पैर जोड़ता है कि उस्ताद जी, बड़ी इज्जत का सवाल है, आप बराए करम लिख दीजिए। तो उस्ताद जो हैं वो इसको जो है एक तरह से नसीहत देने के लिए वो मरसिए में कुछ सहरे के अशार मिला देते हैं और सहरे में जो है वो मरसिए के अशार मिला देते हैं, ताकि जो है इसकी हुटिंग हो वहाँ और ये शायरी छोड़ दे। और वाकई ऐसा ही होता है। अच्छे मियाँ का अक्द हुआ है बहार में, कह दो किसी से फूल बिछा दे मज़ार में। लोग हुटिंग करने लगते हैं। रुए हंसी पे सहरे से कैसी बहार है, आए मौत आ भी जा कि तेरा इंतज़ार है। और लोग हुटिंग शुरू करते हैं। दूल्हा दुल्हन शरीफ घराने में है पले, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले। ज़बरदस्त एहतजाज लोग करने लगते हैं। शायर हैं कि पढ़े जा रहे हैं। नौशाह को उरूस बड़ी जी हुनर मिली, मरहूम को हयात मगर मुख्तसर मिली। लोग कहते हैं भाई आवाज़ें आनी शुरू हो जाती, बकवास बंद करो, बकवास बंद करो। यारब बनी के साथ हमेशा बना रहे, ये क्या रहेंगे जब न रसूल खुदा रहे। लोग शायर को मारने को खड़े हो गए हैं। आखिरी शेर देखिए। नौशाह को उरूज वो रब्बे जलील दे, और उसके वारिसीन को सब्रे जमील दे। ज़बरदस्त महफिल में हंगामा शुरू हो जाता है। शायर को लोग धक्के मार कर निकाल देते हैं। शायर रोता हुआ जा रहा है और कहता है कि अब अहले ज़ौक़ ही नहीं रहे भाई, हमारे कलाम की कदर वगैरह नहीं हो रही है। अब तीसरा मंज़र देखिए। अब ये होता है कि प्यारे मियाँ की मैयत रखी हुई है, लोग रो रहे हैं, मातम हो रहा है और पूरी महफिल जो है वो सोगवार है। ऐलान होता है कि प्यारे मियाँ के दोस्त मशहूर शायर मरसिया पढ़ेंगे। अब जो है जनाब वो मरसिया शुरू करते हैं। प्यारे मियाँ की मौत हुई है बहार में, मुद्दत से अकरबा थे इसी इंतज़ार में। लोग कहते हैं ला हौल वला कुव्वत। प्यारे मियाँ की सोग में दिल बेकरार है, सावन के गीत गाओ फिजा खुशगवार है। अब एक हंगामा शुरू हो जाता है महफिल में। प्यारे मियाँ को उम्र बड़ी मुख्तसर मिली, मुद्दत के बाद आज ये अच्छी खबर मिली। क्या बकवास है, आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं महफिल से। प्यारे मियाँ चले कि कज़ा उनको ले चली, अच्छा है ख़ानदान के सर से बला टली। लोग शायर को मारने के लिए खड़े हो जाते हैं। अब जब तो ये सदमा भी करना ही चाहिए, इस उम्र में तो तुमको भी मरना ही चाहिए। लोग शायर को अब धक्का देना शुरू कर रहे हैं। फिरदौस में घर उनको वो रब्बे जलील दे, और उनकी अहलिया को भी उम्रे कलील दे। लोग शायर को निकाल देते हैं। शायर ऐलान करता है कि उसने शायरी छोड़ दी। उस्ताद साहब का मकसद पूरा हो गया।